सो ही गाइस वेलकम बैक टू आवर वीडियो। सो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट 150 टू 160 सीसी बाइक की व्हिच यू कैन बाय इन 2022। सो गाइस लास्ट 150 टू 160 सीसी का वीडियो का रिस्पांस बहुत अच्छा देखने को मिला। सो मैंने 2022 के अपडेटेड मॉडल का रिव्यू करने का कोशिश किया सो दैट यू कैन बाय अ बेटर मशीन एज पर योर प्रेफरेंस। सो गाइस ये वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है एंड यूट्यूब पर भी फर्स्ट देखने को मिलेगी क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा बेस्ट 150 सीसी बाइक की व्हिच कैन इजीली फुलफिल योर पर्पस। क्योंकि जब भी टॉप 5 लिस्ट की वीडियो बनती है तभी लोगों को कंफ्यूजन रह जाती है कि विच बाइक इज बेटर फॉर लॉन्ग राइड, विच इज बेटर फॉर फैमिली, विच इज बेटर फॉर ऑफिस कम्यूट एक्सेट्रा। सो रिव्यू को हम डिफरेंट सेक्शन में बांटेंगे जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और एंड में एक स्पेशल बाइक को भी मेंशन करेंगे। सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट बात करते हैं फैमिली पर्पस बाइक की। सो इस रिस्पेक्ट में हम बेसिकली मोस्ट कंफर्टेबल बाइक को देखेंगे जिसमें बेस्ट इन द सेगमेंट राइड कंफर्ट मिले एंड इस जॉनरा में बेस्ट फैमिली बाइक है बजाज की पल्सर 150 और नियॉन BS6। तो बाइक में लगाया गया 149.5 सीसी का 4-स्ट्रोक 2-वाल्व एयरकूल BS6 FI DTSI इंजन जिसकी मैक्स पावर 13.8 PS एट 8500 RPM एंड मैक्स टॉर्क है 13.25 Nm एट 6500 RPM एंड बाइक 5-स्पीड गियरबॉक्स आती है। वेट इस बाइक की 148 टू 150 kg की है एंड टायर साइज की बात कर लें तो 80x100 फ्रंट एंड 100x90 का 17 इंचेस ट्यूबलेस टायर लगाया गया है एंड ब्रेक इस गाड़ी की 260mm फ्रंट डिस्क एंड 130mm रियर ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाती है सिंगल चैनल ABS के साथ। सीट हाइट गाड़ी की 795mm की है एंड ग्राउंड क्लियरेंस 165mm की है। लाइट्स की बात कर लें तो बाइक में वुल्फ हाइट हैलोजन हेडलैम्प मिलती है विद हैलोजन DRLs एंड फ्लेक्सिबल हैलोजन इंडिकेटर्स मिलते हैं एंड रियर में पल्सर सिग्नेचर LED टेल लैंप देखने को मिल जाती है। सस्पेंशन की बात कर ले तो 31mm का टेलीस्कोपिक फोक विद एंटी फ्रिक्शन बुश एंड रियर में ट्विन नाइट्रॉक शॉक एब्जॉर्बर मिलता है एंड लॉन्ग एंड स्पेस सिंगल पीस कंफर्टेबल सीट मिल जाती है विद सिंगल पीस ग्रैब हैंडल बार, क्लिप ऑन हैंडल बार, बैकलाइट स्विचेस, साइड माउंटेड साइलेंसर विद हीट शील्ड, पार्ट डिजिटल पार्ट एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कंसोल विद टन्स ऑफ फीचर्स एंड मस्कुलर 12 लीटर की मेटालिक फ्यूल टैंक इस बाइक को बहुत ही अपीलिंग बनाती है। सो फाइनली प्राइसिंग इस बाइक की 1.01 लाख एक्स शोरूम पटना है जो कि ऑन रोड आपको 1.17 लाख में देखने को मिल जाती है। सो सेकंड बात करते हैं ऑफिस गोइंग बाइक की। सो इस एस्पेक्ट में हम बेसिकली बेस्ट राइड क्वालिटी वाली बाइक के बारे में बात करेंगे जिसे लगभग 40 टू 50 किलोमीटर डेली राइड किया जा सकता है एंड माइलेज भी अच्छी दे, पिकअप भी बहुत अच्छी मिले एंड ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी हो। सो इस जॉनरा में बेस्ट ऑफिस गोइंग बाइक है TVS की अपाची RTR 162V BS6। तो बाइक में लगाया गया 159.7 सीसी का 4-स्ट्रोक 2-वाल्व एयरकूल फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लाइंट इंजन जिसकी मैक्स पावर है 15.53 PS एट 8400 RPM एंड मैक्स टॉर्क है 13.9 Nm एट 7000 RPM एंड ये बाइक भी 5-स्पीड गियरबॉक्स आती है। वेट इस बाइक की 139 टू 140 kg की है जिससे इस बाइक की पावर टू वेट रेशियो बहुत अच्छी हो जाती है एंड सिटी राइड में बहुत शानदार पिकअप भी देती है। टायर साइज की बात कर ले तो 90x90 फ्रंट एंड 110x80 का 17 इंचेस ट्यूबलेस टायर लगाया गया है एंड ब्रेक इस गाड़ी की 270mm फ्रंट पेटल डिस्क एंड रियर में 200mm की पेटल डिस्क और ऑप्शनल 130mm की ड्रम ब्रेक मिलती है सिंगल चैनल ABS के साथ। सीट हाइट गाड़ी की 790mm की है एंड ग्राउंड क्लियरेंस 180mm की मिलती है। लाइट्स की बात कर लें तो हैलोजन हेडलैम्प विद 2-पीस LED DRLs मिलती है एंड हैलोजन बल्ब वाले इंडिकेटर्स मिलते हैं बट रियर में क्रिस्टल लेंस LED टेल लैंप देखने को मिल जाती है। बाइक में लॉन्ग एंड स्पेसियस सिंगल पीस सीट के साथ साथ सिंगल पीस ग्रैब हैंडल बार मिलते हैं, 31mm का फ्रंट टेलीस्कोपिक फोक एंड रियर में MIG ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिलते हैं, पार्ट डिजिटल पार्ट एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कंसोल विद वाइट बैकलिट एंड 12 लीटर की मेटालिक फ्यूल टैंक, शार्प टैंक एक्सटेंशन, स्पोर्टी इंजन काउल, वेव कीज एंड थ्रोटी एग्जॉस्ट इस बाइक को बहुत ही स्ट्राइकिंग बनाती है। फाइनली प्राइसिंग इस बाइक की 1.08 लाख टू 1.13 लाख एक शोरूम पटना है जो कि ऑन रोड आते आते 1.28 लाख टू 1.33 लाख में देखने को मिल जाती है। सो थर्ड बात करते हैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट बाइक। सो इस एस्पेक्ट में हम बेस्ट फन टू राइड वाली बाइक के बारे में बात करेंगे जिसकी लुक बहुत अच्छी हो, लाइट वेट भी हो, माइलेज भी बहुत अच्छी दे विथ लेस सर्विस कॉस्ट एंड स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी। सो इस जॉनरा में बेस्ट यंगस्टर बाइक है हीरो की एक्सट्रीम 160R। सो इस बाइक की स्पेक्स की बात कर लें तो एक्सट्रीम 160R में लगाया गया 163 सीसी का 4-स्ट्रोक 2-वाल्व एयरकूल BS6 कंप्लाइंट FI इंजन जिसकी मैक्स पावर है 15.2 PS
एंड मैक्स टॉर्क 14 Nm। एंड ये बाइक भी 5-speed गियरबॉक्स से आती है। एंड माइलेज इस बाइक से इजीली आप 45 प्लस अचीव कर सकते हैं। एंड टॉप स्पीड ये गाड़ी 120 किलोमीटर पर आवर तक चली जाती है। वेट की बात कर लें तो बाइक की वेट बस 138 kg की है, जिसके कारण इस बाइक की पावर टू वेट रेशियो सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाती है सेगमेंट में। टायर साइज की बात करें तो 100x80 फ्रंट एंड 130x70 का रेडियल रेयर ट्यूबलेस टायर लगाया गया है। एंड ब्रेक इस गाड़ी की 276mm फ्रंट पेडल डिस्क एंड रियर में 220mm रियर पेडल डिस्क या ऑप्शनल 130mm का ड्रम ब्रेक सेटअप सिंगल चैनल ABS के साथ मिलता है। सीट हाइट गाड़ी की 790mm की है एंड ग्राउंड क्लियरेंस 165mm की है। इस बाइक में फुल्ली LED हेडलाइट को यूज़ किया गया है इसके हेडलैम्प, टेल लैम्प, DRLs एंड इंडिकेटर्स में। बाइक में सिंगल पीस कंफर्टेबल सीट मिलती है विद इंटीग्रेटेड ग्रैब हैंडल बार, फ्रंट 37mm का टेलीस्कोपिक फोक एंड रियर में 7-step एडजस्टेबल मोनोशॉक मिलती है। शॉर्ट एंड स्टबी साइलेंसर, हैजर्ड लाइट, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल विद नेगेटिव डिस्प्ले, किक स्टार्टर एंड मस्कुलर टैंक इस बाइक को फ्रेश एंड फ्यूचरिस्टिक बनाती है। सो फाइनली प्राइसिंग इस बाइक की 1.13 लाख टू 1.18 लाख एक्स शोरूम पटना देखने को मिल जाती है, जो कि ऑन रोड आते आते 1.34 लाख टू 1.39 लाख में देखने को मिलती है। सो फोर्थ बात करते हैं परफॉर्मेंस पैक बाइक की। सो इस रिस्पेक्ट में हम बेसिकली बेस्ट परफॉर्मेंस वाली बाइक के बारे में बात करेंगे, जिसकी टॉप एंड बहुत अच्छी हो, इंजन स्ट्रेन कम करे एंड एट द सेम टाइम इंजन कूलिंग एंड इंजन रिफाइनमेंट बहुत अच्छी मिले। सो इस जॉनर में बेस्ट परफॉर्मेंस पैक बाइक है यामाहा की R15 B4 BS6। सो बाइक में लगाया गया 155cc का 4-stroke 4-valve लिक्विड कूल BS6 कंप्लाइंट FI इंजन, जिसकी मैक्स पावर है 18.4 PS एट 10,000 RPM एंड मैक्स टॉर्क है 14.2 Nm एट 7,500 RPM एंड बाइक 6-speed गियरबॉक्स आती है। कर्व वेट इस बाइक की 142 kg की है, जिसके कारण इस बाइक की टॉप स्पीड इजली 150 किलोमीटर पर आवर तक अचीव कर सकते हैं एंड सरप्राइजिंगली माइलेज भी आप 45 प्लस इजली अचीव कर लेते हैं। टायर साइज की बात करें तो 100x80 फ्रंट एंड 140x70 का रियर रेडियल ट्यूबलेस टायर लगाया गया है एंड ब्रेक इस गाड़ी की 282mm फ्रंट डिस्क एंड रियर में 220mm की रियर डिस्क देखने को मिल जाती है डुअल चैनल ABS के साथ। सीट हाइट गाड़ी की 815mm की है एंड ग्राउंड क्लियरेंस 170mm की देखने को मिलती है। लाइट्स की बात करें तो फ्रंट बाईफंक्शनल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प विद 2-step LED DRLs एंड रियर में भी LED टेल लैम्प देखने को मिल जाते हैं, बट हैलोजन इंडिकेटर मिलती है जिन्हें आप LED से रिप्लेस करा सकते हैं एज एन एक्सेसरी। एंड ये इकलौती बाइक है अपने सेगमेंट में डुअल चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड स्लिपर क्लच के साथ आती है। क्लिप ऑन हैंडल बार मिलते हैं, जिससे इस बाइक की हैंडलिंग एंड लुक बहुत ही स्पोर्टी एंड प्रीमियम लगती है। थ्रोटी एग्जॉस्ट, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल विद टन्स ऑफ फीचर्स, स्प्लिट सीट, गोल्ड एनोडाइज फ्रंट अपसाइड डाउन फोक, शार्प बॉडी डिजाइन, मस्कुलर टैंक एंड डेल्टा फ्रेम इस बाइक को सुपीरियर एंड बेस्ट इन द सेगमेंट बनाती है। फाइनली प्राइसिंग की बात करें तो 1.78 लाख टू 1.83 लाख एक्स शोरूम पटना है, जो कि ऑन रोड आते आते 2 लाख टू 2.12 लाख में देखने को मिल जाती है। सो फिफ्थ बात करते हैं बेस्ट लॉन्ग राइड बाइक की। सो इस रिस्पेक्ट में हम बेसिकली बेस्ट हैंडलिंग वाली बाइक के बारे में बात करेंगे, जिसे लॉन्ग राइड पर ले जाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो, मिड एंड बहुत अच्छा मिले, टायर भी ग्रिपी हो एंड हेडलाइट इल्यूमिनेशन भी बहुत अच्छी प्रोवाइड करे एंड कंफर्ट तो बहुत ज़्यादा मिले। सो इस जॉनर में बेस्ट बाइक फॉर लॉन्ग राइड है सुजुकी की जिसका SF155 BS6। तो बाइक में लगाया गया 155cc का 4-stroke 2-valve एयर कूल BS6 कंप्लाइंट FI SCP इंजन, जिसकी मैक्स पावर 13.6 PS एट 8,000 RPM एंड मैक्स टॉर्क 13.8 Nm एट 6,000 RPM एंड ये बाइक भी 5-speed गियरबॉक्स आती है। वेट इस बाइक की 148 kg की है एंड टॉप स्पीड ये गाड़ी 129 किलोमीटर पर आवर की अचीव कर लेती है एंड माइलेज भी आप इजीली 45 प्लस KMPL की अचीव कर सकते हैं। टायर साइज की बात करें तो 100x80 फ्रंट एंड 140x60 का रेडियल रेयर ट्यूबलेस टायर लगाया गया है एंड ब्रेक इस गाड़ी की 266mm फ्रंट डिस्क एंड रियर में मैसिव 240mm की रियर डिस्क देखने को मिल जाती है सिंगल चैनल ABS के साथ। सीट हाइट गाड़ी की 795mm की है एंड ग्राउंड क्लियरेंस 165mm की मिलती है। लाइट्स की बात कर ले तो फ्रंट में आता है फुल्ली LED हेडलैम्प विद LED DRLs, इंडिकेटर हैलोजन में आते हैं एंड रियर में LED टेल लैम्प मिलती है।
बाइक में स्प्लिट सीट देखने को मिल जाती है विद स्प्लिट ग्रैब हैंडल बार, बीफी 41mm का टेलीस्कोपिक फोक एंड रियर में 5 स्टार एडजस्टेबल मोनोशॉक, फुली डिजिटल क्लस्टर विद टर्न्स ऑफ फीचर्स एंड 12 लीटर की मस्कुलर फ्यूल टैंक विद ऑफसेट फ्यूल फिलर कैप, क्लिप ऑन हैंडल बार, स्पोर्टी फुल फेयरिंग डिजाइन एंड शॉर्ट एंड स्टबी एग्जॉस्ट इस बाइक को बिग बाइक वाली फीलिंग देती है। फाइनली प्राइसिंग इस गाड़ी की 1.26 लाख टू 1.35 लाख एक शोरूम पटना है, जो ऑन रोड आते आते 1.48 लाख टू 1.57 लाख में देखने को मिल जाती है। सो गाइस, दीज आर ऑल द बाइक जो आपके पर्पस को इजीली फुलफिल करते हैं, बिकॉज मैंने बहुत लोगों के कमेंट को देखा था कि फैमिली के लिए बेस्ट बाइक कौन रहेगी, लॉन्ग राइड के लिए बेस्ट कौन रहेगी। सो दैट्स द वीडियो फॉर यू गाइस। एंड अगर आपको इन सारी फीचर एक ही बाइक में मिले तो क्या बात होगी। सो एक स्पेशल बाइक है, दैट इज ऑल इन वन बाइक है, टीवीएस की अपाची आरटीआर 164V आरएम एडिशन। सो गाइस, अपाची अपने सेकंड बेस्ट कॉम्बिनेशन लेकर आती है कंफर्ट, परफॉर्मेंस, इकोनॉमी एंड प्रैक्टिकलिटी की। तो बाइक के स्पेस की बात कर लें तो बाइक में लगाया गया 159.7cc का 4-स्ट्रोक 4-वाल्व ऑयल कूल्ड BS6 कंप्लाइंट RTFI इंजन, जिसकी मैक्स पावर है 17.63 PS एट 9250 RPM एंड मैक्स टॉर्क है 14.73 Nm एट 7250 RPM एंड बाइक 5-स्पीड गियरबॉक्स आती है एंड कर्व वेट इस गाड़ी की 145 टू 147 kgs की है एंड टॉप स्पीड ये गाड़ी इजिली 132 km/h तक अचीव कर लेती है। टायर साइज की बात करें तो 90x90 फ्रंट एंड 130x70 का रेडियल रेयर ट्यूबलेस टायर लगाया गया है एंड ब्रेक इस गाड़ी की 270mm फ्रंट पेटल डिस्क एंड रियर में 200mm पेटल डिस्क और ऑप्शनल 130mm का ड्रम ब्रेक सेटअप सिंगल चैनल ABS के साथ मिलता है। सीट हाइट गाड़ी की 800mm की है एंड ग्राउंड क्लियरेंस 180mm की मिलती है। हेडलैम्प, टेल लैम्प एंड DRLs गाड़ी की LED में मिलती है एक्सेप्ट इंडिकेटर जो कि अभी भी हैलोजन में आते हैं। बाइक में डुअल बैरल एग्जॉस्ट, स्पोर्टी इंजन काउल, शार्प टैंक एक्सटेंशन, सिंगल पीस कंफर्टेबल सीट विद बैटमैन इंस्पायर ग्रैब हैंडल बार, फ्रंट टेलीस्कोपिक फोक फ्रॉम शोवा एंड रियर 5-स्टार एडजस्टेबल मोनो शॉक फ्रॉम शोवा कंपनी, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल विद टर्न्स ऑफ फीचर एंड सेगमेंट फॉर फीचर्स लाइक राइडिंग मोड्स, एडजस्टेबल फ्रंट एंड ब्रेक लीवर्स, कलर्ड व्हील, ऑफसेट फ्यूल फिलर कैप इस बाइक को सेगमेंट अहेड बनाती है। सो फाइनली प्राइसिंग इस गाड़ी की 1.17 टू 1.23 लाख एक्स शोरूम पटना है, जो कि ऑन रोड आते आते 1.38 लाख टू 1.44 लाख में देखने को मिल जाती है। फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। We'll be right back.